Welcome to our channel. My name is Abhijit Chandrakant Mure. Today we will complete our web development series. Yesterday we just complete our about page, but some changes are remaining. Just like our footer and header parts will be incomplete. So we today just complete header and footer. So next move on. Okay, you just see that our header and footer remaining. So we will start from header part. Header part is incomplete Bootstrap header part. So we will come to our coding in Visual Studio Code. You can see that it is a navbar. Navbar, जो हमारा navbar, इसको एक ID दे देंगे और यहाँ पे ID दे दिए nav. अब हम क्या करेंगे, एक style stack लेंगे. देखिए मैंने जो भी यहाँ पे जो style stack लिया है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि सिर्फ practice purpose के लिए मैंने इधर बनाया है. आप देख सकते हो कि मेरा जो स्टाइल है ऑलरेडी मैंने नीचे लिखा है. तो हम क्या करेंगे, ऊपर हम सिर्फ इसको जस्टिफाई करने के लिए लिखेंगे, एक प्रैक्टिस के तौर पर हम लिखेंगे. इसके बाद हमको जो हमारा स्टाइल है अरेंज कर देंगे. ठीक है, नावर को हम स्टाइल करेंगे. उससे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम बूटस्ट्रैप को स्टाइल करते हैं तो कुछ चीजें अप्लाई नहीं होती. ठीक है, हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम बोलेंगे ब्लैक. ओके, मैंने यहाँ पे सेव किया और रन एज लाइव सर्वर. ठीक, बैकग्राउंड कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, तो मैंने बताया था कि बूटस्ट्रैप जो कुछ क्लासेस देता है, इनबिल्ट जो क्लासेस होती है, वो कस्टमाइजेशन को रोकती है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है बीजी बॉडी टेरिटरी, यहाँ पे इसको हम मिटा देंगे. इसके बाद देखेंगे, देख हमारा जो हेडर पार्ट है, हेडर पार्ट यहाँ पे ब्लैक हो चुका है. तो हमें ध्यान में रखना है कि हम जब कोडिंग करेंगे बूटस्ट्रैप के क्लासेस से, क्लूस क्लासेस जो हमको मिटाना पड़ेंगे जब कस्टम सीएसएस यूज करेंगे. ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कलर कलर वाइट. ओके, यहाँ पे हमारा कलर वाइट, देखिए फिर भी नहीं आया. अब एक चीज ध्यान में रखना है कि जो भी हेडर में हमने यूज किया है, देखिए हेडर में हमने क्या किया, यूज किया है एंकर टैब. देखिए कलर एंकर टैब को करना है. तो ठीक है, हम क्या करेंगे, नैव और इसका ए एक कलर वाइट, इसके बाद हम सेव कर देंगे. देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा जो नैव बार है, नैव बार को बैकग्राउंड ब्लैक करो. उसके बाद क्या किया, जो भी हेडर में जो भी टेक्स्ट होगा उसका कलर व्हाइट आना चाहिए. लेकिन हमने यहाँ पे टेक्स्ट नहीं यूज किया, हमें एंकर टैग में लिखा है. तो एंकर टैग में जो लिखा है इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो नैव है, नैव को आईडी में से हमें एंकर टैग को व्हाइट कलर किया. समझने के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ. देखिए हमने क्या बताया पहले, ये हमारी आईडी नैव बार, उस आईडी के जो भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या ऊपर लिखे है, देखिए हमारे जो भी टेक्स्ट है वो वहाँ पे एंकर टैग उसमें हमारा टेक्स्ट लिखा है. तो अब हमने क्या कहा कि हमारा जो नैव बार है, नैव बार का एंकर टैग इसमें हमने क्या करना है, व्हाइट कलर करना है. दिस वे यू कैन डू इट आफ्टर वी गो ऑन अवर फुटर पार्ट. ओके, अवर हेडर लुकिंग गुड बट सम रिमेनिंग. देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा, हमें जो कंटेंट डाला है यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है. अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नैव है उसको बोलेंगे हम मार्जिन. मार्जिन किधर से जाए, हमें बॉटम से, मैं लेट्स वी गेट 3VH. ओके, देखिए हमने 3VH के मार्जिन दे दिए. बॉटम पार्ट्स ये जो हमारा नैव बार की जो भी बॉटम है उधर से हमने 3VH इसको दे दिए. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारा फुटर पार्ट जो है, फुटर पार्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे. फुटर पार्ट बनाने से पहले एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमने जो यहाँ पे कोड लिखा था, एक प्रॉपर वे जो होता है कि हम यहाँ से कट कर लेंगे. और हमने जहाँ पे CSS लिखा है, देखिए यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया. मीन्स ये क्या होता है कि एक प्रॉपर वे होता है कि हम जब भी CSS लिखते हैं तो एक फाइल में रखा करो. मैंने सिर्फ वो टेस्टिंग पर्पस के लिए ऊपर रखा था. तो चलिए हम यहाँ पे फुटर बना लेते हैं. फुटर पार्ट बनाने के लिए अब हमें क्या करना होगा, एक क्लास लेंगे हम, लेट्स से डॉट, मैं बोलूँगा फुटर टू. ठीक है, मैंने फुटर टू लिया, आप कौन सा भी नाम रख सकते हो आपके ऊपर है. फुटर टू किया मैंने,
अब हमें फुटर टू को स्टाइल करेंगे। फुटर टू आप कॉपी कर लेंगे, डॉट। देखिए अब हम क्या करेंगे कि उसको विड्थ बोलेंगे। विड्थ जो हम फुटर को देंगे वो हम देंगे 100 VW, और जो हाइट होगी, हाइट लेट से हाइट जो हम उसको देंगे कि यहाँ पे 30 VH, ओके। और उसका बैकग्राउंड कलर जो हमें देना है मैं यहाँ पे ब्लैक दे रहा हूँ, ठीक है। हमारा इतना काम हो गया, अभी देखते हैं हम। देखिए हमारा फुटर पार्ट यहाँ पे आ चुका है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो गई इधर। देखिए हमने गड़बड़ क्या किया, हमने जो पिछली वाली कोडिंग की थी वो क्लास इसमें चला गया, उस ड्यू से हम निकालेंगे और दूसरे ड्यू में डाल देंगे, ओके। तो अब कोडिंग करते वक्त एक चीज और ध्यान में रखना है कि देखिए मैंने क्या किया था, ये जो हमारा ड्यू है पिछले वाला जो कोडिंग था उस ड्यू में चला गया। तो कोडिंग करते वक्त ध्यान में रखना है कि हम किसके किस कंटेनर में डाल रहे, तो वो एक चीज भी ध्यान में रखना है कि कोडिंग करते वक्त आप कौन से कंटेनर में कौन से ड्यू में वो डाल रहे हैं। तो मैंने एक सेपरेट ड्यू बनाया था, उसमें डाला था ये। अब हम इसमें एक पैराग्राफ टैग ले लेंगे, IMRD शिरपुर। देखिए मैंने IMRD शिरपुर लिखा, देखिए यहाँ पे आ चुका है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसका कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है। तो अब हम क्या करेंगे, कलर बोलेंगे वाइट। ब्लैक एंड वाइट का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है, देखो वाइट पार्ट, लेकिन मैं उसे बोलूँगा कि सेंटर में आ जाओ। अब मैं क्या करूँगा कि जो हमारा फुटर टू है, फुटर टू का पैराग्राफ टैग, उसकी टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट सेंटर, ये देखो टेक्स्ट अलाइन मैंने सेंटर किया और ये सेंटर में आ चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारा फुटर पार्ट है, फुटर पार्ट की जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो हम थोड़ा सा कम करेंगे इसको, जस्ट 10 पर रख देंगे। देखिए यहाँ पे दिखने में अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा फुटर पार्ट का जो भी पैराग्राफ टैग है उसको हम थोड़ा बोल्ड कर लेंगे, फॉन्ट, उसकी फॉन्ट साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। मैं यहाँ पे 3 VH यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बोल्डर और थोड़ा फॉन्ट साइज उसकी इंक्रीज हो गई। देखिए और एक हम पैराग्राफ टैग लेंगे, पिछला फुटर में जो मैंने डाला था वही डाल लेंगे, और उसके बाद हमें उसे चेक करना है। देखिए यहाँ पे हमारा आ चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, तो हम थोड़ी सी हाइट इसकी फुटर पार्ट की अब इंक्रीज कर लेंगे, लेट से वी जस्ट 15 VH, ओके। अभी अब दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा क्लीन, और थोड़ा इसमें परफेक्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो हमारा पैराग्राफ टैग लिया है हमने पी को, इसकी जगह हम इसको H3 टैग ले लेते हैं, ये थोड़ा बेटर दिखेगा। देखिए आप जब वेब डेवलपमेंट करते हो ना, तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको ट्रायल टेस्टिंग करते हैं। देखिए मैं रन टाइम चेंजेस कर रहा हूँ, अभी ये क्या हो गया कि IMRD शिरपुर यहाँ पे आ चुका। तो हम फिर से क्या करेंगे, हमारा जो फुटर है, फुटर टैग में जो हम काम कर रहे हैं अभी, वो फुटर में, फुटर का H3, तो हम इसे क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन इसकी सेंटर, ठीक है। अब देखो थोड़ा दिखने में थोड़ा क्लीन लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी मार्जिन टॉप दे देंगे इसको। देखिए मार्जिन देकर देखा, लेकिन मार्जिन इसको अप्लाई नहीं हो रही। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा फुटर पार्ट है उसको पैडिंग टॉप 2 VH दे देंगे, और फिर देखते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कोई स्टाइल जो है ना अप्लाई नहीं होती, तो आप दूसरी तरीके से ट्राई करना चाहिए कि हम उसे कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स का जो पार्ट बनाया है, ऑब्जेक्टिव का पार्ट्स थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का पार्ट्स और हमारा फुटर पार्ट। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फुटर टू है, फुटर टू को हम मार्जिन टॉप करेंगे, लेट्स से 3 VH, ओके। थोड़ी सी स्पेस इन दोनों में आ गई है,
और मैं चाहूँगा और दे दूँगा, थोड़ा सी इंक्रीज करा दूँगा इनकी स्पेस। ठीक है, अब कोडिंग में क्या होता है कि आपको है ना आपके हिसाब से डेवलप करना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फर्स्ट यू फाइंड अवर पर्पस एंड रिक्वायरमेंट, देन यू स्टार्ट चेंजेस। देखिए मेरे पर्पस और रिक्वायरमेंट अलग है तो मैं उसके हिसाब से डेवलप कर रहा हूँ। देखिए हमारा जो भी फुटर और हेडर है हमने कंप्लीट कर लिया और अबाउट पार्ट को लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप यूज करा है और उसके साथ कस्टम सीएसएस भी यूज कर, इस तरीके से हम भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और मैं बता देता हूँ, कोई स्पेलिंग मिस्टेक वेब डेवलपमेंट में हम करते हुए हो चुकी है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। आप जब वेब डेवलपमेंट करती है तो जब कोडिंग करेंगे तो उस कोडिंग में कोई स्पेलिंग गलत नहीं करना है, लेकिन जो हमारा कंटेंट होता है कंटेंट पार्ट वो हम बाद में ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। अभी कुछ स्पेलिंग यहाँ पे गलत होगी मुझे मालूम है, लेकिन अगली वीडियो में हम क्या करेंगे इसको फुल्ली कस्टमाइज करेंगे। देखिए हमारा हेडर और फुटर हो गया, अब हम क्या करेंगे थोड़ा इसको और कस्टमाइज करेंगे और अट्रैक्टिव बनाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही।